किसानों से हमारी आज मुलाकात हुई है, इसमें कुछ मुद्दे थे इनके, जैसे कि मुआवजा बीमा क्लेम का जो था 2020 का, उसके संबंध में था, या खराबा का पैसा 2022 का पेंडिंग था, उसके संबंध में कुछ इशूज थे हमारे। जो बीमा क्लेम वाली जो बात है वो ओडा के हमारे 40 गाँव जो है उनकी बीमा राशि आने से रह गई। इस संबंध में पहले भी हमने जो है ना इस बारे में मीटिंग की थी और हमें ये उम्मीद थी कि हफ्ता 10 दिन के अंदर वो आ जाएगा। तो स्टेट लेवल से जो भी कार्रवाई थी वो हमारी हो गई, अब सेंट्रल लेवल की जो कार्रवाई है पेंडिंग है, तो उसमें लगभग 15 दिन लगने की और उम्मीद है। तो इसी बारे में हमने आज चर्चा भी की थी और किसान यूनियन के प्रधान श्री लखेंद्र औलख जी और बाकी जो उनके साथी हैं सभी से हमारी मीटिंग हुई थी और हमने बताया कि सकारात्मक प्रयास डीडीए साहब द्वारा भी किए जा रहे हैं, हम प्रशासन के द्वारा भी किए जा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर इनका मुआवजा आ जाए। फिर भी हमने एक सहमति आपस में बनाई कि 15 दिन का टाइम हम लेकर के चल रहे हैं, उससे पहले पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो बीमा क्लेम का मुद्दा है, चाहे वो जो मुआवजे की राशि का मुद्दा है। इसके अलावा भी कोई मार्केट की कमेटी की या कोई और इश्यूज खरीद की है तो समय समय से पर्याप्त प्रशासन और किसान आंदोलन के किसान के यूनियन प्रधान या इनके सदस्य हैं उनके साथ मिलकर तालमेल बनाकर प्रशासन का ये दायित्व भी है और हम इसको कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार की किसानों को कोई दिक्कत ना आए, किसानों के हित के लिए किसानों को बेचने के लिए हम लगातार प्रयास करें। सर, किसानों से बातचीत हुई है, कितने किसान संतुष्ट नजर आए और क्या टाइमिंग दी गई है? ऐसा था जिला सिरसा के अंदर जो खरीफ 22 का जो बीमा क्लेम रुका हुआ था वो 592 करोड़ तो किसानों के खाते में आ चुका है, लेकिन एक ब्लॉक ओटा का 40 गांवों का बीमा रुका हुआ था, जिसके लिए हम लगातार प्रशासनिक तौर पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से हमने सोमवार 9 तारीख तक का हमने समय मांगा है और हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि उससे पहले ये बीमा किसानों के खाते में आ जाए। टेक्निकली इशू था या क्या वजह? ऐसा था जब ये डिसाइड किया गया था बीमा डिस्ट्रिक्ट का, तो जहाँ कम ग्रेवेंसेज थी वो उसी टाइम डाल दिया गया था। ये कोई टेक्निकल इशू था जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्लेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, कल भी मीटिंग हुई है इस पे और मीटिंग का निर्णय शायद जल्दी आ जाएगा। जैसे ही मीटिंग का निर्णय आएगा क्लेरिफिकेशन आएगी और तुरंत उसके बाद खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। कितनी अमाउंट है टोटल जो ये अमाउंट अभी मैं नहीं बता सकता, लगभग 62 करोड़ के करीब है जो पेमेंट रुकी हुई है, इसमें 8200 के करीब किसान हैं जिनका बीमा रुका हुआ है। जो खरीफ 2022 का बीमा क्लेम थी साढ़े ओडा ब्लाक के 40 पिंडों का, लगभग जो 8600 किसानों का बीमा राशि नहीं पाई गई थी, तो उसके लिए असी ऐलान किया हुआ सी तहसील कालांवाली के तालाबंदी करके कल 28 सितंबर को जोड़ा है धरना पक्का मोर्चा लगाना, उस लिए अज जिला प्रशासन ने सिरसा मीटिंग बुलाई थी जिस लगभग साढ़े 513 पिंडों के साथी आए ने, बाकी टेलीफोन से सारे नाल संपर्क करके, तो जो SP हेडक्वार्टर डबवाली और SDM कालांवाली DDA सिरसा सारे अधिकारियों ने जो आश्वस्त किया भी 9 अक्टूबर तक 9 अक्टूबर तो पहलों तो खाते बीमा जो क्लेम राशि पै जूगी उस जो मुआवजा राशि थी 2020 की जो किसानों की वापस चले गई थी उस वास्ते भी चर्चा हुई, उन्होंने भी उस वास्ते भी किया भी वो भी 15 दिन के अंदर आ जाओ। इस करके अज सारे की सहमति के नाल जो साडा तालाबंदी का प्रोग्राम सी कल का वो पोस्टपोन किया जाता, स्थगित किया जाता है, वो अगर 9 अक्टूबर तक 9 अक्टूबर सोमवार है, अगर साढ़े किसानों के खात्या जोड़ा करीब 2022 का बीमा क्लेम नहीं आता तो 10 तरीक न फिर तो वो पूरे जोर शोर के नाल बिल्कुल तालाबंदी करके, क्योंकि प्रशासन ने SP साहब ने सारे ने समा मंगया भी जिते 1 साल 2 महीने के करीब तुम हो गए वेट करते साढ़े वास्ते 12-13 दिन का समा हो दो, तो सारे की सहमति नाल जो साड़ी बीमा कमेटी बनी हुई है उस बीमा कमेटी ने समा दिता, तो अज तुसी अधिकारियों के भी बयान ले सारे ने जो है वो क्या किसानों की भी सहमति बनी है सारी अभी इकट्ठे हुए थे प्रशासन वालों सू सदा गया जो कि 28 तरीक की कॉल दी गई ओडा ब्लाक के जो बीमा नहीं आया 2022 वाला उसके संबंध के जो कट करना से आपका कारण उसके संबंध में सूँ अच्छ मीटिंग से सद्या गया, उन्होंने प्रशासन अधिकारियों ने सूँ भरोसा दवाया 15 दिनों के भी जो भी बीमा बकाया रहा वो थोड़ा दिता जाएगा, जो 2020 वाला मुआवजा वो भी 15 दिनों के इन्होंने सूँ जो पाँव का खात्या पाँव का भरोसा दवाया, तो जे 9 तरीक ती सूँ ये नहीं देंगे है खात्या पैसा नहीं आता तो अगे जो तालाबंदी मार्केट कमेटी कालांवाली जरूर की जाएगी। धन्यवाद।